दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत गरीब परिवारों को जो बेघर ने जिन्हों का आपका घर नहीं उन्होंने 1,50,000 तक का मुआवजा दिया जा रहा है। तो मैं इसकी सारी जानकारी पहले अपने वीडियो में दे चुके हैं। जो तुम देखना चाहते हो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है तो अप्लाई बटन पर जाके जा डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चैक कर सकते हो। दोस्तों अज आप गल करेंगे कि तुम ये अप्लाई किमें कर सकते हो। दोस्तों जो आप इन्हों की ऑफिशियल साइट उपर चले जाने तो उस तो बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। जो ऑफिशियल साइट का जो लिंक है तो मैं इतने शो कर रहा उपर एड्रेस में तो यह शो हो जाता। उस तो बाद आप एब्सोल सॉफ्टवेयर जावे तो इतने डेटा एंट्री पर आप क्लिक कर लेंगे। तुम्हें जूम करके दिखा देना तो डेटा एंट्री पर क्लिक करने तो बाद जो इस तरह का पेज तीन ऑप्शन अपने सामने आ जाएंगे तो अपना तीजे ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे डेटा एंट्री फॉर आवास योजना। ओके दोस्तों इसे लॉगिन करने तो बाद इतने आप सिलेक्ट जो भी स्टेट अपनी हो सिलेक्ट कर लेंगे तो जिमें कि मैं पंजाब तो हाँ तो मैं पंजाब सिलेक्ट कर लेना। उस तो बाद कॉन्टीन्यू उसे क्लिक करेंगे तो उस तो बाद दोस्तों इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। इस तो बाद आप लॉगिन अपनी सी एस सी आई डी है जो वह आप लॉगिन इतने भरनी है तो लॉगिन करने तो बाद जो आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। तो इस तो बाद जो बेनीफिशरी डेटा एंट्री है उसे आप PMYJ रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो उस तो बाद जो इस तो फॉर्म होगा जो फिल करने वाला फॉर्म वह ओपन हो जाता है। तो नॉर्मल जो डिटेल होंगी जी आप फिल करनी होंगी अपनी ज अपने आधार कार्ड वगैरह सबमिट करने होंगे। जो तुम फिर भी यह समझ च नहीं आता तो वीडियो में कमेंट करो मैं थोड़ी हेल्प जरूर कर देंगे कि कॉलम तो भरने में प्रॉब्लम हो रही समझ नहीं आ रही। तो जे तुम चाहते हो मैं बनावा यह नैक्सट वीडियो तो वीडियो में कमेंट करो मैं यही फॉर्म में फिल करते हुए भी बना देंगे। और दोस्तों फॉर्म फिल करने तो बाद इस तो बाद आप बैंक डिटेल अपनी भरनी होंगी है तो जोड़ा भी थोड़ा बैंक सब तो पहले आप उपर सिलेक्ट कर लेंगे कि पोस्ट ऑफिस से अपना खाता है या बैंक अकाउंट में अपना खाता है। तो उस तो बाद आप सिलेक्ट बैंक टाइप है अपना कमर्शियल बैंक है या अदर कोई बैंक है तो बैंक डिटेल भरने तो बाद दोस्तों और नेक्स्ट डिटेल फिल करने तो पहले एक बार चेक कर लेंगे तो इतने आप यस करके उस तो बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जो थोड़ा फिर भी किसी तरह की हेल्प की जरूरत है वीडियो में कमेंट करो मैं थोड़ा हेल्प जरूर कर देंगे तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लो।